तो भाई इससे पहले सकलैन में भी ये कह चुके हैं कि एक बैड डे आता है तो उसमें काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खामी है जहाँ पे बल्लेबाजों को अब सीखना होगा कि बैड डे हम पे ही क्यों आता है? नहीं अभी ये भी हारे हैं हमसे, उस दिन इन्होंने भी इतनी अच्छी क्रिकेट शायद ना खेली हो जो इसी वजह से हार है, लेकिन उस दिन मैच हुआ आज क्या हुआ आज भी मैच ही हुआ है। लेकिन देखिए हमारे प्लेयर्स ने हमेशा मैचेस में छक्के मारे हैं और ये मैंने अभी इनसे भी सुना है कि कोई 8 साल बाद हुआ है और उन्होंने कहा 70 मैचेस के बाद ये हुआ है कि कोई छक्का नहीं लगा, तो ये तो ऑब्वियसली कोई बैड डे ही हो सकता है कि कोई छक्का ही नहीं लगा मैच में। लेकिन ये भी हो सकता है कि बॉलिंग अच्छी हुई हो, बाज़कात ये होता है, बाज़कात आप जो भी, क्योंकि मैं एज ए बैट्समैन बात कर रहा हूँ कि कुछ बार ऐसा होता है कि आप जो भी कर रहे होते हैं वो वैसे हो नहीं पा रहा होता जैसे आप करना चाह रहे होते हैं। अगर आप देखें 4-5 ऐसी शॉटें लगी हैं जो हाथ में ही चली गई और छक्का तो खैर हवा में ही लगना था, लेकिन ये जो है कुछ शॉटें हमारी गई हैं लेकिन वो हाथ में चली गई। टोटली मैं समझूंगा कि तीनों जो हमारी फील्ड थी बैटिंग बॉलिंग और बॉलिंग उसमें हम, मेरा ख्याल है कि गुंजाइश है और बेहतरी की। ऊपर से बाबर रिजवान के नीचे शान मसूद आते हैं, आपको लगता है कि तीनों का गियर एक ही है? देखें ये कह सकते हैं आप कि तीनों एक ही तरह खेलते हैं, लेकिन ये है कि कोई प्लानिंग होती है हमारी, उस प्लानिंग के तहत चल रहे होते हैं। अगर ये हम बता तो सकते नहीं यहाँ क्योंकि हमने प्लानिंग की हुई है, टीम ने पूरी मैनेजमेंट ने, वो प्लानिंग बता नहीं सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन भी ठीक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत जो है उस प्लानिंग की जो हमने की होती है उसके मुताबिक चलना होता है। क्या वजह है कि इसी ग्राउंड में दो मैच जीते हैं, इसी पिच के ऊपर जीते हैं, आज पिच का स्लो था शुरू में, बाद में देखा बड़ा फ्रीली वो लोग खेले, और हमारा ये मसला आ रहा है कि कंसिस्टेंसी का ही प्रॉब्लम है, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो चाहे वो इंग्लैंड सीरीज का बैक टू बैक मैच हो। आज फिर तसलसल का जो है उसमें हमें बेहतरी लानी पड़ेगी कि हम मुसलसल बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलें, क्योंकि गेम में हार जीत होती है, लेकिन एकदम जो आप बात करें कि जैसे तसलसल चाहिए कि 6-7 जीतने के बाद कोई हार जाए तो वो और बात है, लेकिन ये है कि दो मैचेस के बाद, तो इसमें हम कोशिश करेंगे, मिलके बैठेंगे मैनेजमेंट और इस पर बात करेंगे कि कहाँ हमें बेहतरी और लाने की ज़रूरत है। वैसे तो तीनों एरिया में लानी है, लेकिन किन जगहों पे ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है उस पे कोशिश भी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि विकेट, जो कि इस पे मेरा 4th या 5th मैच था एक ही विकेट पर, तो शायद धूप भी निकली हुई थी उस टाइम, हमारे टाइम जब बॉलिंग करने आए तो क्लाउड थे, बॉल बैट पे आ रहा था, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये एक्सक्यूज़ मैं नहीं दे रहा। पहले टाइम पे थोड़ा बॉल स्लो ज़रूर आ रहा था, उनके स्पिनर्स ने देखे कि वो ऑफ स्पिनर था, 11 रन दे के 2-3 विकेटें ले गए, और मेरा ख्याल है कि यही एक जगह थी जहां हमें मार पड़ी है। एशिया कप के बाद जो है वो स्पेशली ओपनर्स पे बड़ी तनकीद हुई, बैटिंग ऑर्डर पे बड़ी तनकीद हुई, फिर इंग्लैंड सीरीज़ हमने खेली 7 मैच, अब ये सीरीज़ है जो है वो ट्राई नेशन वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नंबर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट इस बारे में भी नहीं सोच रही कि तजर्बा किया जाए, देखा जाए, नंबर ऊपर नीचे किए जाएँ ताकि वर्ल्ड कप में बेटर रिजल्ट मिल सके? देखिए ये मुसलसल पिछले 1.5-2 साल से यही पेयर चल रहा है और इस पर कभी मेरा ख्याल कोई बात हुई नहीं है और ना मेरा ख्याल है कि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, कोई चांस ही इस तरह का चांस मेरा ख्याल लेना थोड़ा मुश्किल है। और अभी आप देखें, एक पहले मैच में रिजवान मैन ऑफ द मैच था, दूसरे में बाबर आजम था, तो चेंज करने का कोई क्वेश्चन अभी नज़र आ नहीं रहा। क्वेश्चन आपका आपने किया है, आप बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट समझ रही है वो यही समझ रही है कि जिस तरह का पेयर चल रहा है और जो प्लानिंग है उसको अभी तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर पे वर्ल्ड कप है। आई थिंक दिस गेम इज़ बैड डे टुडे, ओबियसली वो नॉट प्लेड गुड इन ऑल एरियाज, वी ट्राई टू बेटर क्रिकेट इन नेक्स्ट गेम एंड होपफुली इन गुड क्रिकेट इन final. Obviously today was challenging betting conditions, will be on the new surface for the next game, but what can you take or what will you reflect on from that game? I think we'll learn more consistency to play good cricket, and we always learn to our game to more better cricket play next game. Well, obviously there was, I think a statistic that was the first time in
games that a Pakistan team hit a six in an innings in a T20 game. What do you think was the challenge from the New Zealand bowling attack today to stop it? I think this is a bad day, nothing else. We hit six every game, but not today. But this is, I think, this is a bad day.